लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं बहुत आशा और आकांक्षा के साथ, क्योंकि सुबह होते ही पहला दस्तक वो अपने जनप्रतिनिधि को देता है और उनका जनप्रतिनिधि का यह दायित्व तो बनता है कि वो उन जरूरतों को पूरा करे। आज हम लोगों के साथ यहां पर वार्ड नंबर 22 के नाजिया असलम के पति मौजूद हैं, वार्ड नंबर 29 के सोनी परवीन जी के भी पति उपस्थित है, वार्ड नंबर 21 के एहतशाम साहब भी यहां पर उपस्थित है, 10 नंबर वार्ड के श्री अर्जुन यादव जी हैं, 38 नंबर वार्ड के श्री दीपक लोहरा जी हैं, 44 नंबर के फिरोज आलम जी हैं, 45 के नसीम गद्दी जी हैं, 16 नंबर के नाजिया राजा जी भी हैं, 17 के शबाना खान भी हैं, 4 नंबर वार्ड के हुस्ना आरा जी भी हैं, 23 नंबर वार्ड की साजदा खातून जी भी हैं, 12 नंबर के कुलभूषण डुंगडुंग जी भी हैं, 35 के झाड़ी लिंडा जी भी हैं और 52 के निरंजन महतो जी भी। ये सभी अपने अपने वार्ड से इस कमिटमेंट के साथ आए हैं कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो हमारा वोटर हो या हमारा वोटर ना भी, लेकिन हमारा दायित्व सबके प्रति एक है और लोग उसी निगाह से भी इनको देखते हैं। जिन्होंने वोट दिया वो भी, उनकी भी जो प्रत्याशा है समान प्रत्याशा जो वोट ने दिए हैं सब उनकी भी, क्योंकि निर्वाचित हो जाने के प्रति बाद ये केवल और केवल जनप्रतिनिधि होते हैं, पार्षद होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये लोग जो व्यवस्था पिछले 5 वर्षों में बनी थी उसमें लोग प्रताड़ित होकर आज यहां पर उपस्थित। नगर निगम की मेयर, उनका चुनाव कैसे हुआ वो सब हम जानते हैं, डिप्टी मेयर कैसे चुना गया वो भी हम जानते हैं, और उन जगहों में किस प्रकार से 5 वर्षों में एक मकरजाल बना जिसमें मेयर का, डिप्टी मेयर का और वहां के चीफ इंजीनियर का, तीनों का एक नेक्सस बना। जनप्रतिनिधि अपने वार्ड के काम को लेकर, योजनाओं को लेकर बोर्ड के बैठकों में भी बोलते हैं, लेकिन वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं होते। प्रस्ताव वही स्वीकार होते हैं जिसमें मेयर को, डिप्टी मेयर को और चीफ इंजीनियर को सौदा किया जाता है, एक सौदेबाजी का गठजोड़। 110 योजनाएं पास करके भेजी जाती है जिसमें चुन चुनकर 38 योजनाओं को लिया जाता है, बाकी को हटा दिया जाता है। वो इसलिए हटाया जाता है क्योंकि वो योजनाएं उन जगहों की है जहां शहर के या तो अल्पसंख्यक आबादी रहता हो
या फिर हरिजन आदिवासी और मूलवासी रहता, उन जगहों को योजनाएं से वंचित कर दी जाती है।